नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। पोको का एक नया स्मार्टफोन इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है, पोको C3। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, पोको की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले तो पोको X2 लॉन्च हुआ था, फिर पोको M2 प्रो लॉन्च हुआ, अभी ये पोको का C3 आने वाला है। तो इसका सीधा भैया जवाब है, इसका जो रीब्रांडिंग चल रही है इस समय, सारे के सारे जो रेडमी के यूरोप या चाइना में लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स हैं वो सारे के सारे रीब्रांडेड होके आ रहे हैं पोको की सीरीज में। जी हाँ, वही स्मार्टफोन है रेडमी का 9C, जो कि यूरोप में पहले लॉन्च हो चुका है, अब वो इंडिया में आ रहा है पोको C31 के। तो क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, कितने प्राइस होने वाला है, कब तक आने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो देखते रहिए एंड तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो 6.53 इंच की आपको इसमें HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो IPS पैनल होने वाला है, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में आएगा। और यहाँ पे भैया जो प्रोसेसर यूज किया गया है, मीडिया टेक का G35। आपको पता है अभी ये प्रोसेसर किसमें यूज किया गया था, Realme C11 के अंदर। जी हाँ, ये उसी को टक्कर देने के लिए आ रहा है इस प्राइस सेगमेंट में। मतलब पहले Redmi टक्कर दे रहा था वो Realme के फोन्स को, अभी क्या कह रहे हैं दोनों मिल करके, Xiaomi के ही ब्रांड है, सब ब्रांड है, तो दोनों अब मिलकर भैया कंपटीशन शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसकी बैटरी यूज करी गई है, 5000 mAh की बैटरी यूज करी गई है, 10 W का आपको चार्जर दिया गया है। तो ये कुछ इस प्रकार का स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप भैया फ्रंट से देखेंगे तो वही ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाएगी, और आपको एक बढ़िया सी डिस्प्ले है, लेकिन HD+ की है, और प्राइस सेगमेंट इसका जो होने वाला है कुछ 7000 रुपये होने वाला है। तो आपको HD+ ही डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। वहीं पर अगर बात करें बैक साइड की, तो भैया यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक एहसास होने वाला है, क्योंकि एक नया डिज़ाइन है, आपको क्वाड कैमरा सेटअप जैसा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। जी हाँ, आपको क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है, साथ में जो फोर्थ आपको कैमरा जैसा दिख रहा है वो एक LED लाइट है। जी हाँ, और आपको बैक साइड में मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और बैक पैनल आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा, पॉलीकॉर्मेट का कुछ इस तरीके का है, जिसमें आपको ऑरेंज और ग्रीन जैसे कुछ कलर देखने को मिल जाएंगे, और ये काफ़ी सही देखने में लग रहा है। अगर हम बात करें इसके कैमरा सेंसर्स की, तो यहाँ पे 13 MP, 5 MP, 2 MP का बैक कैमरा होने वाला है। वहीं पर अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो वहाँ पे आपको 5 MP का सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि कुछ ड्यू ड्रॉप नॉच जैसा देखने को मिलने वाला है। ये आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा वही लगभग अगस्त की सेकेंड वीक में। अभी इसका मतलब कि ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हुआ है आपका ये पोको C3 के नाम से। जी हाँ, तो ये अब इंडिया में जल्द ही आने वाला है, मतलब वही लगभग आपको लगभग यही महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो स्मार्टफोन है, मतलब सारे के सारे जितने भी पोको के स्मार्टफोन आ रहे हैं, हमें लग रहा था कि पोको एक इंडिपेंडेंट ब्रांड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। पोको का फ्यूचर जो है, एक तरीके से जो हम लोगों के अंदर इमेज बनी थी पोको F1 के आने के बाद, एकदम अलग तरीके की इमेज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन था, दिल जीत लिया था इसने, लेकिन उसके बाद पोको X2 आया, तो तब भी हम ज़्यादा निराश नहीं हुए, क्योंकि सब ब्रांड था, लेकिन मतलब ब्रांडिंग होके आया था, लेकिन बढ़िया स्मार्टफोन था, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में था। लेकिन अभी सारे के सारे स्मार्टफोन रीब्रांडेड होके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होना पड़ रहा है। बाकी आप हमें बताएं, आपको क्या लगता है कि यही सिलसिला चलता रहेगा, और क्या आप पोको से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी आपके विचार हों कमेंट में डालिएगा। बाकी जो स्मार्टफोन है, ये आपको 2GB 32GB के साथ में देखने को मिलेगा, 3GB 64GB के साथ में देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस सेगमेंट कुछ 7000 से आपको 8000 रुपये के बीच में ही देखने को मिलेगी। आपके जो भी विचार है कमेंट में डालिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ध्यान से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।